आपके लिए पहला सवाल होगा, भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र विदेशी व्यक्ति कौन है? आपके लिए ऑप्शन हैं ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सी नेल्सन मंडेला या डी मदर टेरेसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला है भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र विदेशी व्यक्ति। आपके लिए सवाल होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी शंघाई, सी टोक्यो या डी न्यूयॉर्क। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टोक्यो शहर। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी आबादी इस समय 3,80,00,000 है और हमारी राजधानी दिल्ली अभी तीसरे स्थान पर है। दिल्ली 2030 तक बीजिंग को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा। आपके लिए सवाल होगा, नई दिल्ली का डिजाइन किसने बनाया था? आपके लिए ऑप्शन हैं ए जॉर्ज बेकर ने, बी एंड्रयू पॉल ने, सी एडविन ल्यूटियंस ने या डी ली कोर्बुज़िएर ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एडविन ल्यूटियंस ने तैयार किया था नई दिल्ली शहर का डिजाइन। आपके लिए सवाल होगा, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? आपके लिए ऑप्शन हैं ए अल्फा सेंटारी में, बी मंदाकिनी में, सी एंड्रोमीडा में या डी प्रोक्सिमा से चुरी में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंदाकिनी आकाश गंगा में है। आपके लिए सवाल होगा, गदर पार्टी का मुख्यालय किस शहर में था? आपके लिए ऑप्शन हैं ए लंदन में, बी सैन फ्रांसिस्को में, सी कलकत्ता में या डी मद्रास में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को शहर में था गदर पार्टी का मुख्यालय। आपके लिए सवाल होगा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी हमलावर कौन था? आपके लिए ऑप्शन हैं ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी सिकंदर या डी इनमें से कोई नहीं था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी हमलावर। आपके लिए सवाल होगा, अंकुरित अनाज खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपके लिए ऑप्शन हैं ए हैजा की, बी कैंसर की, सी फूड पॉइजनिंग की या डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फूड पॉइजनिंग हो जाता है। आपके लिए सवाल होगा, किस जीव की जीभ पर भी दांत होते हैं? आपके लिए ऑप्शन हैं ए कई हंस की, बी अन्यटिडाय की, सी गीज हंस की या डी बत्तख की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गीज हंस की जीभ पर भी दांत होते हैं। आपके लिए सवाल होगा, जहरीला खाना परोसते ही किस मुगल बादशाह की प्लेट टूट जाती थी? आपके लिए ऑप्शन हैं ए अकबर की, बी हुमायूं की, सी शाहजहां की या डी औरंगजेब की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां की। शाहजहां के पास ऐसी प्लेट थी जिसमें खाना डालते ही या तो उसका रंग बदल जाता था या फिर वह टूट जाता था। इस तरह की एक प्लेट आज भी आगरा स्थित ताज म्यूजियम में रखी है। इस प्लेट को शीशे के फ्रेम में मढ़ा कर कई सुरक्षा इंतजाम और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है।
इस प्लेट के ठीक ऊपर एक निर्देश पट्टिका पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इस प्लेट की खूबी लिखी है। जहर पर रख रकाबी, जो एक प्रकार की चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तन है, जो कि विषाक्त भोजन डालने से रंग बदलती या टूट जाती है। आपके लिए सवाल होगा, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ सबसे ज्यादा ज्वलनशील है? आपके लिए ऑप्शंस हैं ए मोबिल ऑयल, बी पेट्रोल, सी मिट्टी का तेल या डी डीजल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोल सर्वाधिक ज्वलनशील पदार्थ है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।